हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के क्लास 11th एंड 12th के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.14। यानी कि जिससे जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बच्चों उसकी वैल्यू थी अपने को दे रखी थी 3×10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। ठीक है, आई कैप में थी, किधर थी बच्चों, आई कैप डायरेक्शन में थी। ठीक है, चलिए थ्रू अ क्यूब। तो फिर कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पिछले क्वेश्चन में इतनी थी, तो कह रहा है कि नेट फ्लक्स बताइए थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो हमें एक क्यूब से निकलने वाला मतलब पास होने वाला टोटल फ्लक्स बताना है जिसके जो साइड्स हैं बच्चों या फिर जिसके जो फेसेस हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स के पैरेलल हैं, है ना। यानी चलिए इसका पहले हम लोग इमेज देख लेते हैं। तो बच्चों इसका इमेज कुछ इस टाइप का है, जरा देखेंगे तो हमारे पास देखिए बच्चों हमारे पास है क्या, एक एक्स एक्सिस हो गया यहाँ पे, वहाँ जेड एक्सिस हो गया, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया, राइट। हमने क्यूब को बना दिया जो कि आप देख सकते हो कि इसके जो फेसेस है बच्चों वो पैरेलल है इनके प्लेन्स के कोऑर्डिनेट एक्सिस द्वारा बनाए गए प्लेन से। जैसे देखो जरा अगर इस प्लेन की बात करो बच्चों, कौन सी प्लेन, जैसे कि ये FCB ये वाला प्लेन की बात करो बच्चों तो कहीं ना कहीं ये जेड एक्स प्लेन के पैरेलल है, राइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा कुछ फिगर इस टाइप का बनेगा, राइट। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स बताना है। तो बच्चों हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें एक्स डायरेक्शन में, जिसके वैल्यू है बच्चों E=3×10⁻³ आई कैप। क्लियर, चलिए। यानी कि बच्चों आपको पता है क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। यानी कि अगर एक्स एक्सिस वाला कुछ फेस को छोड़ करके अगर आप बात करो, ये ऊपर वाला फेस चाहे नीचे वाला फेस बात करो, चाहे हमारे सामने वाला फेस की बात करो, चाहे पीछे वाला फेस की बात करो, उन चारों सरफेसों के लिए क्या एंगल 90 डिग्री होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बच्चों इस डायरेक्शन में है और हमारा जो जो नॉर्मल आ रहा है कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर बात करो बच्चों चार फेसेस के लिए, ये जो हैच किया हुआ फेसेस को छोड़ दीजिए, यानी कि जो एक्स एक्सिस में जो जा रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो चार फेसेस हैं उसकी अगर बात करें बच्चों तो उसके लिए नॉर्मल अगर देखें बच्चों, इसका नॉर्मल किधर जाएगा, ऊपर, इसका नॉर्मल किधर गया, नीचे गया। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं बच्चों इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बीच का एंगल कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो φ=, आप जानते हो क्या होता है बच्चों, ई ए कॉस थीटा। तो कॉस 90 रख देंगे कितना होगा बच्चों 0। यानी कह सकते हो कि जो ये प्लेन है बच्चों, ये ऊपर वाला नीचे वाला चाहे आगे वाले की बात कर लो चाहे पीछे वाले की बात करो, तो इन चारों प्लेन से जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए ये तो बात क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग दो प्लेन जो बच के जो हैच किए हुए हैं, राइट। तो देखिए जरा हैच किए हुए अपने पास प्लेन्स हैं, इन प्लेनों की अगर बात करें बच्चों ध्यान समझिएगा, इस प्लेन के लिए जरा देखो ये वाला प्लेन है जो, इसके लिए जो हमारा नॉर्मल होगा बच्चों बाहर की ओर होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यानी कि इनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए एंगल कितना हो गया सर, 0 डिग्री हो गया। तो इस पर्टिकुलर प्लेन के लिए अगर हम बात करें फ्लक्स थ्रू प्लेन बात कर लो ए बी ई डी प्लेन से अगर फ्लक्स की बात करें बच्चों तो हो जाएगा E×A×cos 0, कितना cos 0 डिग्री, कितना हो गया बच्चों ये ea हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा जो बच गया बच्चों ये वाला प्लेन, कौन सा प्लेन बच गया हमारे पास, हम बात कर लेते हैं बच्चों इस वाले प्लेन की, राइट, ये वाला प्लेन। इस वाले प्लेन के लिए बात करो बच्चों इलेक्ट्रिक इसका नॉर्मल वेक्टर किधर है, उस डायरेक्शन में, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, इस डायरेक्शन में, यानी बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो अगर हम इससे फ्लक्स की बात करें बच्चों किससे, OGFC = कितना हो जाएगा E×A×एंगल कितना हो गया बच्चों, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बीच का एंगल 180 डिग्री, कितना हो गया बच्चों 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का ये, है ना। तो अगर टोटल फ्लक्स देखा जाए बच्चों, टोटल फ्लक्स पहली बात तो उन चारों की वजह से 0 था ही, प्लस में ई ए को जोड़ दीजिए और माइनस ई ए को जोड़ दीजिए तो टोटल कितना हो गया बच्चों 0 आ गया, राइट। इस पूरे क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो हो गया बच्चों हमने मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया। अगर आपको पता होगा गॉस का लॉ बच्चों, तो गॉस का लॉ बोलता है कि बच्चों अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग किसी क्लोज सरफेस को रख देते हैं ना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक क्लोज सरफेस कोई भी रख दीजिए तो इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स बच्चों 0 होता है, ठीक है। और वही बात यहाँ पे भी हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में बना हुआ है, राइट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों एंटर कर रहा है ना, उतना ही बाहर निकल जा रहा है, समझ रहे हो बात को,
जितना एंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि टोटल जो फ्लक्स बन रहा है वो जीरो होता है। तो इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत भी नहीं थी इस क्वेश्चन में। अगर आपको बेसिकली गॉस लॉ अगर पता है आपको, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या बोलता है गॉस लॉ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए कोई भी क्लोज सर्फेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स बच्चों होता है जीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स घुसता है उतना ही फ्लक्स निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।